हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स मंत्रा। लेट्स मेक अकाउंट इजी एंड स्कोर फुल मार्क्स। स्टूडेंट, आज के इस चैप्टर से हम एक और नई चीज़ शुरू करने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं अब आपको हर बार एक नई ट्रिक दूंगा, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू स्कोर 100% मार्क्स, वो हम लोग अचीव करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक जना देखना। और स्टूडेंट, आज का जना चैप्टर है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें फॉर्मूलाज हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में ड्राइंग्स के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ड्राइंग्स होती क्या हैं। आप समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। ड्राइंग्स होती क्या है हमारी? ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स इज द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और काइंड। ये नोट कीजिएगा, कैश में भी या काइंड में भी हम लोग कोई चीज़ फॉर्म से विड्रॉ करते हैं बाई पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज फ्रॉम, कहाँ से विड्रॉ करते हैं? फ्रॉम फर्म। मतलब कि फर्म से कोई भी इन कैश में या काइंड में पार्टनर्स कोई अमाउंट ड्रॉ करता है या कोई एसेट ड्रॉ करता है, तो जो उसका जो ये विड्रॉ करता है, ये है पार्टनर्स की पर्सनल ड्राइंग्स। ठीक है, और ये जो ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स दो तरह की होती है। नंबर वन पे होती है हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मतलब कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर से, अगर उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं तो ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। और दूसरा है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है ये समझिए। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है कि जो हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, वो पार्टनरशिप करते हैं हम लोग फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उस फ्यूचर प्रॉफिट में से अगर कुछ पैसा पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि पार्टनर्स को भी जो उन्होंने कैपिटल है उसके अंदर लगा दिया, फॉर्म के अंदर लगा दिया प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अब उनको भी अपने पर्सनल खर्चों के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे फर्म का प्रॉफिट मान लीजिए एक्स आएगा, तो हम एक्स में से कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हमारे पर्सनल खर्चे भी चलते रहें और फर्म की बिजनेस भी चलता रहे। तो ये जो ड्राइंग्स होती है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। तो अब हमारा जना मेन क्या है, हम कह रहे हैं इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्राइंग्स। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है मैं बता देता हूँ, इसको समझिएगा। ड्राइंग्स क्या करती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इट रिड्यूसेस, आप पहले नोट कर लीजिए, इट रिड्यूसेस कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड रिड्यूस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिड्यूस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। मतलब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पार्टनर्स जो अपना कैपिटल फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, उसके अगेंस्ट पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट देना दिया जाता है। और वहीं हमने एग्जांपल में देखा था कि जब पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट कुछ विड्रॉ कर लेता है तो वो इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देता है। तो जब कैपिटल में से पैसा ड्रॉ किया जाता है तो इट रिड्यूसेस कैपिटल कंट्रीब्यूशंस एंड रिड्यूसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स।
उससे क्या होता है, हैंस नो फर्दर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। तो ये जो इस तरह की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, बल्कि जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा हमारा है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, मैंने आपको बताया जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसमें से पार्टनर्स कुछ पैसा विड्रॉ करता है। तो क्या है, इट इज़ ए, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इट इज़ ए ड्राइंग अगेंस्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू मीट पार्टनर्स पर्सनल एक्सपेंस। मैंने बताया ये आपको, ये इन कैश में भी हो सकते हैं, इन काइंड में भी हो सकती है। मे बी हमारी फर्म्स कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रही है जो हमारे डे टू डे वर्किंग में भी काम में आता है, तो अगर हम उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए फॉर्म से जना लेते हैं तो ये हमारी ड्राइंग्स होंगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में भी देखिएगा हमारी दो तरह की ड्राइंग्स आती हैं। एक हम लोग कहते हैं इररेगुलर, पहली हमारी इररेगुलर ड्राइंग। इररेगुलर जैसे कि जना बता रहा है कि इसमें जो ड्राइंग्स है हमारी वो कोई रेगुलर पैटर्न लिए हुए नहीं है, कोई रेगुलर पैटर्न लिए हुए नहीं है। दैट मीन्स देर इज नो, पहली क्या चीज आ गई, देर इज नो फिक्स पैटर्न ऑफ अमाउंट विड्रॉन ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, देर इज नो फिक्स पैटर्न ऑफ ऑफ पीरियड ऑफ विड्रॉन। मतलब क्लियर है कि एक महीने हमने 2000 रुपये फॉर्म में से निकाल लिए, दूसरे महीने हमने 4000 ले लिए, तीसरे महीने हमने 5000 ले लिए, ये तो इरेगुलर अमाउंट का जनक हो गया। दूसरी बात, हम फिक्स टाइम पैटर्न भी ऐसा हो सकता है कि हमने पहले जो अमाउंट है वो 15 दिन के बाद विड्रॉ कर लिया या शुरू होने के, दूसरा जो पैसा है वो एक महीने के बाद कर लिया, तीसरा जो पैसा है वो 5 दिन के बाद ही हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमने तब विड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि कोई टाइम पीरियड का भी फिक्स पैटर्न नहीं है। तो इस तरह की जो ड्राइंग्स होती है वो होती हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा है रेगुलर ड्राइंग्स। तो स्टूडेंट रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है दूसरा क्या हो जाता है रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर, देर इज ए यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स बाय पार्टनर्स टू मीट इट्स पर्सनल एक्सपेंसेस। यूनिफॉर्म पैटर्न रहता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा पहले केस में जना आ जाता है, ये पहला हमारे पास आ जाता है, हमने क्या किया था, हमने देखा था इरेगुलर ड्राइंग्स, पहला हमारा था इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स में क्या मेथड होते हैं, नंबर वन था हमारा इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स में हमारे दो मेथड होते हैं, एक है हमारा सिंपल मेथड, ये नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाता हूँ, और दूसरा हमारा है प्रोडक्ट मेथड। ये दो मेथड हैं इरेगुलर ड्राइंग्स के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के। मैं इसको एक अच्छे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। पहले हम लोग लेते हैं सिंपल मेथड जो है हमारा, अब इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। सिंपल मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल मेथड में हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर फॉलोइंग विड्रॉल्स। ये हमारे कुछ विड्रॉल्स हैं हमारे, क्या जाना उन्होंने दे रखे हमें, पहले है डेट ऑफ विड्रॉल, कब का पैसा हमने ड्रॉ किया, और अमाउंट ये हमें दे रखा है कि पार्टनर ने कब का पैसा विड्रॉ किया और कितना कितना पैसा विड्रॉ किया। कब का विड्रॉ किया, 1 मई 2020 को कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 20,000 रुपीस। उसके बाद 1 जुलाई 2020 को कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 10,000 रुपीस। उसके बाद 1 नवंबर 2020 को कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 30,000 रुपीस। और लास्टली 31 मार्च 2021 को 10,000 रुपीस पार्टनर से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है। अब इसको हम लोग सिंपल मेथड से कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक और नया कॉलम बनाते हैं और उस पर लिखते हैं नंबर ऑफ वंस अप टू 31 मार्च 2021। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2021 को 1 अप्रैल से शुरू होके, तो हम लोग 31 मार्च, ये हमें 31 मार्च 2021 तक हमने देखना है कि कितने मंथ हमारे रह गए हैं फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉल से, जो अमाउंट हमने जिस तारीख को अमाउंट विड्रॉ किया है उससे हमारे कितने महीने रह गए हैं, ये हम लोग देखते हैं। और मैं एक ऐसा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट दे रखा है, मान लीजिए हमारा पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है, तो हम लोग अप टू 31 दिसंबर तक कितना अमाउंट वो रहेगा, ये हमने अपनी समझ से उसमें ले लेना है। हम यहाँ 31 मार्च से ले रहे हैं, तो 31 मार्च से हम लोग देखते हैं। तो 1 मई को मैंने पैसा विड्रॉ किया, तो अप टू 31 मार्च मेरे कितने महीने रह जाएंगे, मतलब अप्रैल का महीना मैं निकाल दूं 12 महीने से, तो एक महीना जाना हमने वो हो गया, तो मेरे कितने महीने रह गए, 11। सिमिलरली अगर 1 जुलाई को मैंने विड्रॉ किया, तो मेरे 12 में से कितने महीने कम हो गए, अप्रैल मई जून 3 महीने कम हो गए, तो इसका मतलब 9 महीने मैंने ये पैसा लिया है। उसके बाद 1 नवंबर को किया है, 1 नवंबर को किया है, तो इसका मतलब अक्टूबर तक मेरे
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने रह गए मेरे। उसके बाद 31 मार्च को, 31 मार्च को मतलब ईयर एंड के ऊपर किया है तो 0 मंथ मेरे पास रह गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट के अंदर आप जानते ही हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम, यही फॉर्मूला रहता है ना इंटरेस्ट का हमारा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल है पहले के अंदर 20,000 रुपीस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% इंटू टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 11 महीने का। ठीक है स्टूडेंट, अब इस हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट आ जाता है, मैं ये 12 से 12 काट देता हूँ, 00 से 00 चले गए, 11 × 200 इज रुपीज 2,200। सिमिलरली हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 9 महीने के हिसाब से 10,000 रुपये के ऊपर हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा ₹900, और 30,000 के ऊपर 5 मंथ्स के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा ₹1,500, और लास्ट में हमारे पास 0 अमाउंट। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 22,000 प्लस 900 3,100 प्लस 1,500 कितना हो गया 4,600 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमारे पास इस हिसाब से आ गया। ये जो हमने सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया है, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड से हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, ये प्रोडक्ट मेथड जो है, ये प्रोडक्ट मेथड यूजुअली जैसे हम लोग बैंकों के अंदर इंटरेस्ट हमें मिलता है तो बैंक इसी प्रोडक्ट मेथड से ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। मैं इसका आपको पहले फॉर्मूला जना दे देता हूँ, इसका फॉर्मूला कैसे होता है इंटरेस्ट का। इसका जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब कि IOD शॉर्ट फॉर्म के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। ये मैं आपको बताऊंगा सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/12। स्टूडेंट यहां मैंने 1/12 लिखा है, दैट मीन्स 1 महीने का इंटरेस्ट साल के हिसाब से, और ये प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। अभी जब हम लोग, अभी आप इसको लिख लीजिए, अब जब हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा इसी के अंदर है, ये तो तब है जब हमें मंथ के हिसाब से टाइम पीरियड निकालना है उस हिसाब से। अगर मान लीजिए हमें विड्रॉल जो है वो वीक्स में दिया गया है या डे बेसिस पे दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/52। ये मंथ्स के लिए है, ये है ड्राइंग बाई मंथ, ये है ड्राइंग बाई वीक, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/365, जो मैंने बताया आपको बैंकों में हम लोग इस फॉर्मूले से करते हैं, ये है ड्राइंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन डे बेसिस। जब लोग हम लोग डे बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट की
कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग लेते हैं इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। अब मैं एग्जांपल के हिसाब से इसको ले लेता हूँ, अब आप इस एग्जांपल के हिसाब से इसको समझिएगा। एग्जांपल क्या है हमारा, ये हमें डेट ऑफ विड्रॉल जाना दे रखा है, डेट ऑफ ड्राइंग जाना दे रखी है, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट विड्रॉल दे रखा है हमें। डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, 1 May 2020, अमाउंट ड्रॉन 20,000 रुपीज़। सेकेंड इज 1 July 2020, अमाउंट इज 10,000 रुपीज़। थर्ड इज 1 November 2020, अमाउंट विड्रॉन इज 30,000 रुपीज़। फोर्थ इज 31 March 2021, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हमारा 12% है, इंटरेस्ट रेट ऑन ड्रॉइंग। और अमाउंट हमारे पास कितना दे रखा है, ये लास्ट के अंदर 10,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी दोबारा से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, दोबारा से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 March 2021। स्टूडेंट मैं इसको जरा कॉलम रेट दे देता हूँ, ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा कॉलम सी हो गया। अब कितने महीने रह गए 31 March तक, हमने पीछे जाना क्वेश्चन में किया था, इसमें 11 month, इसके अंदर 9, इसमें 5 और यहाँ 0। अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग लेंगे प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये प्रोडक्ट है अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 March का कितना अमाउंट है, दैट इज डी। अगर मैं इसको डी लेता हूँ, डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो अमाउंट कितना होगा, 20,000 × 11 इज 2,20,000, 10 × 10,000 × 9 इज 90,000, 30,000 × 5 इज 1,50,000, 31 March के हिसाब से यहाँ 10,000 × 0 इज 0। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, ये है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा रुपीस कितना हो गया, 4,60,000। और हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12, क्योंकि ये मंथ के अंदर है, नंबर ऑफ मंथ अप टू है ना, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ की जगह नंबर ऑफ वीक होता तो हम लोग वीक के हिसाब से ले लेते हैं, नंबर ऑफ डेज होता तो हम लोग डेज के हिसाब से लेके उसके हिसाब से हमारा ये फॉर्मूले के अंदर लास्ट में टाइम चेंज हो जाता। तो ये अमाउंट कितना आ गया, इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 4,60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, टाइम कितना है, 1/12। तो अब ये हमारे पास कितना हो गया, 12 से 12 चला गया, यहाँ 20 से चले जाएंगे तो अमाउंट कितना रह गया, ₹4,600। सिंपल मेथड से भी वही अमाउंट आया है, प्रोडक्ट मेथड से भी वही अमाउंट आया है, लेकिन ये दोनों मेथड कैलकुलेशन करने के अलग अलग हैं।
जहां हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि किस मेथड से हमने जरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है, वहां हम लोग रिस्पेक्टिव मेथड लगाकर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं जो हमारा दूसरा पार्ट था जिसमें हमने कहा था कि रेगुलर ड्राइंग का, जो हमारी ड्राइंग क्या है, रेगुलर ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग के अंदर हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने फॉर्मूला जानना है और उसका हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। तो इस रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, नंबर फर्स्ट क्या था, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, दूसरा था उसके अंदर व्हेन टाइम गैप, टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म। इस केस के अंदर जाना हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो ये इसमें क्या चीज़ आ गई हमारे पास, कैच आ गया क्या, एवरेज पीरियड का। तो हम लोग जानते हैं ये एवरेज पीरियड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज पीरियड, इसको हमें सही ढंग से समझना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको समझाता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले हम लोग ले लेते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। डिवाइडेड बाई 2। एवरेज में आपको पता ना हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं या जितनी भी हमारे पास ऊपर होते हैं उसका हम लोग एवरेज आउट करने के लिए उतने उससे ट्राई ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 2 हैं तो डिवाइडेड बाई 2 करके एवरेज पीरियड आ जाता है हमारे पास। तो अब इस एवरेज पीरियड को और हम लोग ढंग से समझते हैं कि इस एवरेज पीरियड के अंदर क्या रहता है, वो एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल हमारा है कि मिस्टर ए पार्टनर इन एबीसी फॉर्म, ड्रॉ रुपीज 10,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज़।
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन, नंबर वन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% पर एनम। उसके बाद इन्होंने तीन कंडीशन दे रखी हैं, नोट कीजिएगा। ए सेकंड के ए के अंदर क्या कंडीशन दे रखी हैं, ही ड्रॉ अमाउंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, रेगुलर ड्राइंग के लिए चाहिए ना, ईच मंथ के ऊपर फर्स्ट डे के ऊपर ड्रॉ कर रहा है। सेकेंड इज ही ड्रॉ अमाउंट ऑन मिड ऑफ ईच मंथ, थर्ड इज ही ड्रॉ अमाउंट ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो इसके अंदर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, हमारे पास क्या हो गया 10,000 रुपये देना, हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं हमारा 10,000 रुपये पर मंथ देना वो ड्रॉ कर रहा है, तो हमारे पास टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई हमारे पास, रुपीस 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना अमाउंट हो गया, रुपीस 1,20,000। ये तो हमारी टोटल ड्राइंग्स हो गई। अब हमने क्या डाटा निकालना है, फॉर्मूले के हिसाब से एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड में हमने क्या 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 कहा था, एवरेज पीरियड के अंदर फॉर्मूला जब पीछे आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या था, नंबर ऑफ मंथ, क्या हमने फॉर्मूले में लिखा था, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अगर मैं पहला ए लेके जाना चल रहा हूं सिचुएशन ए के अंदर, तो मैं मंथ की पहली डेट को ही पैसा विड्रॉ कर लेता हूं, तो मेरे पास कितने महीने रह गए आप बताइए, मेरे पास पूरा का पूरा, अगर मैंने फर्स्ट अप्रैल को ही पैसा विड्रॉ कर दिया तो मेरे पास कितने 31 मार्च तक पूरे के पूरे 12 महीने रह गए। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद क्या ध्यान था उसके अंदर फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट एट दी आफ्टर लास्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग मेरी कब हुई है, लास्ट ड्राइंग मेरी हुई है फर्स्ट ऑफ मार्च को, तो फर्स्ट ऑफ मार्च के बाद मेरे पास कितने महीने रह गए, मेरे पास एक महीना रह गया, एक महीना रह गया ना पूरा मार्च का महीना, तो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना मेरे पास हो गया एवरेज पीरियड, कितना हो गया 6.5 मंथ। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, मैं दोबारा पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12, कितना हो गया 1,20,000 इंटू रेट इज 12%, 12 इंटू 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो अब हमारे पास कितना हो गया, ये इसके साथ चला गया, ये यहाँ चला गया, दैट मीन्स 1200 इंटू 6.5, तो कितना अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास किस हिसाब से हो गया, हम लोग यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे 10 लिख सकते हैं और एक से भी जाना एक जीरो कट जाएगा हमारा, तो 120 इंटू
इज इक्वल टू 120 into 65 एंड दिस विल अमाउंट टू रुपीज 7,800 रुपीज इंटरेस्ट हमारा इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आता हूँ सिचुएशन बी के ऊपर, दैट इज ही ड्रॉ अमाउंट ऑन मिड डे ऑफ ईच मंथ। मिड डे का मतलब 15 तारीख को हमारा मंथ की देना वो करता है, तो उस केस में हमारे पास एवरेज पीरियड क्या होगा, ये जो खेल है वो एवरेज पीरियड का है, ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसलिए एवरेज पीरियड हमारे पास क्या रह गया, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो पहली ड्रॉइंग के बाद कितना रह गया, 15 दिन उसमें से निकाल दूं मैं 12 महीने में से, तो मेरे पास कितने रह गया 11.5 मंथ्स रह गए। और नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कितनी हुई 15th ऑफ मार्च को, 15th ऑफ मार्च के बाद मेरे पास कितना जनरल पीरियड रह गया प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया मेरे पास 6 मंथ मेरा एवरेज पीरियड हो गया। तो अब मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज मंथ एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया 1,20,000 इंटू 12/100 इंटू 6, तो ये मेरे कैसे चले जाएंगे 6/12, 12 से 12 चला गया, 12 इंटू 6 इज इक्वल टू रुपीज 7,200। ठीक है, अब मेरे पास सिचुएशन थर्ड है। सिचुएशन थ्री में क्या है, सिचुएशन थ्री में है ही ड्रॉ अमाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो इसमें हमारे पास एवरेज पीरियड क्या आएगा, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट ड्रॉइंग करी मेरी हुई मंथ एंड पे, तो इसका मतलब पूरा मेरा मंथ निकल गया। नंबर ऑफ मंथ कितने रह गए, 12 में से एक महीना निकल गया, मेरे पास रह गए 11 महीने प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग मेरी कब की है, लास्ट ड्राइंग मेरी है 31st मार्च को, 31st मार्च के बाद मेरे पास कितना टाइम रह गया 0 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज पीरियड मेरे पास कितना आ गया 5.5 मंथ। तो इंटरेस्ट मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला मेरा वही है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, तो मैं यहाँ पे सारा वो ले लेता हूँ 1,20,000 इंटू 12/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 से 12 चला गया, 20 यहाँ चले गए, 5.5 में से मैं ये हटा देता हूँ, तो यहाँ मेरे पास 10 आ जाएगा, 10 में से मैं 10 कर देता हूँ, तो इसका मतलब 55 इंटू 120 कितना होगा, 55 इंटू 0 55 इंटू 12 2 इज़ 110, 0 आ गया, 11 रह गए, 55 इंटू 1 इज़ 55 प्लस 11 इज़ 6,600 रुपीज़ 6,600 विल बी दी इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे तो हमें देना दे दिया मंथ का, और अब इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे तो हमें मंथ का देना दे दिया, मैंने कहा था रेगुलर ड्राइंग्स है, रेगुलर ड्राइंग्स तो हमारी क्वार्टरली भी हो सकती हैं, रेगुलर ड्राइंग्स हमारी वीकली भी हो सकती है, और रेगुलर ड्राइंग्स हमारी 6 महीने के बाद भी हो सकती है या 2 महीने के बाद भी हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला हमारा इसी टाइप का रहता है। स्टूडेंट आप क्वार्टरली के हिसाब से, मैं एक क्वार्टरली का इसके अंदर आपको और बता देता हूँ, क्वार्टरली ड्राइंग्स के अंदर हमारा इंटर एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा,
क्वार्टरली ड्राइंग्स के अंदर एवरेज पीरियड हमारा वही रहेगा, एवरेज पीरियड फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय टू। क्वार्टरली ड्राइंग में क्या, क्वार्टरली कैसे ड्राइंग्स होती है, मतलब कि हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर हमारी पहली ड्राइंग्स हुई है फर्स्ट से, हम लोग बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर के ऊपर है, ये मैं ले लेता हूँ बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, दूसरा मिड ऑफ क्वार्टर, थर्ड इज लास्ट डे ऑफ क्वार्टर। ये हमारे मान लीजिए मिड ऑफ क्वार्टर के ऊपर ड्राइंग हो रही है, फर्स्ट डे ऑफ ड्राइंग हो रही है या लास्ट डे ऑफ ड्राइंग हो रही है, तो बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर पर ड्राइंग हो रही है, तो इसका मतलब हमारी ड्राइंग्स कब कब हो रही है, हमारी पहली ड्राइंग होगी फर्स्ट अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग होगी सेकेंड ड्राइंग हमारी कब होगी, फर्स्ट जुलाई को, थर्ड ड्राइंग कब होगी हमारी, फर्स्ट अक्टूबर को, और लास्ट ड्राइंग हमारी कब होगी, फोर्थ ड्राइंग जो होगी वो होगी फर्स्ट ऑफ जनवरी को। और इसी टाइप से मिड ऑफ क्वार्टर के अंदर होती है, तो मिड ऑफ क्वार्टर के अंदर हमारी पहली वाली ड्राइंग कब आएगी, हमारी पहली ड्राइंग हमारी आएगी 15th ऑफ या 16th ऑफ मे कह लीजिए, 16th मे को। सेकेंड हमारी कब हो जाएगी, 16th अगस्त को, क्वार्टर में तीन महीने होते हैं ना, तो हम लोग 1 अप्रैल के बाद डेढ़ महीना जोड़ना जोड़ देंगे, 16th मे हो गया। उसी टाइप से जुलाई के बाद, इसी टाइप से थर्ड हमारी कब हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 16th ऑफ नवंबर को, और लास्ट ड्राइंग हमारी कब हो जाएगी, 16th ऑफ फरवरी को। अगर लास्ट डे ऑफ क्वार्टर है तो लास्ट डे ऑफ क्वार्टर कब होता है हमारा, पहले हमारी ड्राइंग हो जाएगी 30th जून को, सेकेंड ड्राइंग हमारी हो जाएगी 30th सितंबर को, थर्ड ड्राइंग हमारी कब हो जाएगी, 31st दिसंबर को, फोर्थ हमारी हो जाएगी 31st मार्च को। अब हम लोग इस हिसाब से लेते हैं, तो पहले केस के अंदर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है हमारे पास कितने रह जाएंगे, पहले में हमारे पास 12, मैं यही ले लेता हूँ, आप इसको बस समझ लीजिएगा पहले, और उसके बाद जब फॉर्मूले आएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम इनको करेंगे। नंबर ऑफ मंथ्स कितने रह गए, 12, लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ ले लेता हूँ 12 मंथ रह गए, क्वार्टरली ड्राइंग्स है फर्स्ट के अंदर है, और इसके बाद कितने रह गए हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाई, जनवरी का तीन महीने रह गए ना, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, 7.5 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट, और एवरेज पीरियड के अंदर आ गया 7.5 मंथ। अगर मिड के अंदर है तो मिड के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितने रह गए, डेढ़ महीना चना चला जाएगा, 12 में से 1.5 जना जाएगा, तो हमारे पास कितना रह जाता है, 10.5 प्लस 15 फरवरी को हमारे पास रह गया कितना, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हमारी हुई 15 फरवरी को, तो कितना टाइम पीरियड रह गया हमारे पास, 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। और थर्ड रह गया लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर के अंदर पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना रह गया, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हमारी हुई
30 जून को कितने महीने रहेगा हमारे पास, 9 मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट रैंक कितने महीने रहेगा हमारे पास, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट, क्वार्टरली के केस में इस टाइप से हम लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं और फॉर्मूला हमारे पास तो वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। और इसी टाइप से अगर हमारे पास वीकली कहते हैं तो वीकली के हिसाब से हमने करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग और एक सिचुएशन के ऊपर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ये भी इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। इफ ड्राइंग डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हमने देखा ना एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, हमें डेट ऑफ ड्राइंग देना दी जाती है, फर्स्ट डे को कैलकुलेट, फर्स्ट डे को ड्रॉ किया है, 15th को ड्रॉ किया है, मंथ एंड पे किया है, या कोई पर्टिकुलर डेट के ऊपर ड्रॉ किया है, तो उसके हिसाब से हम लोग टाइम पीरियड निकाल के करते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें डेट दी नहीं गई कि वो कब जो ना ड्रॉ कर रहा है, इफ ड्रॉइंग डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड टेकिंग एवरेज पीरियड एज एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग एज 6 मंथ। ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है जब हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी गई है। और एक और जो ना इंपॉर्टेंट चीज है, एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, वो है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन्ड एज पर एनम या पर मंथ समझ लो। ठीक है, हम लोग लिखते हैं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 12% पर एनम, या 1% पर मंथ, या 1.5% पर मंथ। तो हमें इस टाइप से जो ये चीज है पर एनम या पर मंथ, ये हमें मान लो मेंशन नहीं किया गया है, इट इज नॉट मेंशन, तब हम लोग कैसे करते हैं, देन इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर, क्योंकि पर एनम पर मंथ का मतलब तो टाइम फैक्टर दे रखा है ना, हमें विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर्स हमें लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस चीज के अंदर, मान लीजिए हमें देना दे रखा है मिस्टर ए ड्रॉ रुपीस 10,000 पर मंथ ₹1,00,000 ड्यूरिंग द ईयर
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%। तो इसके अंदर हमारे क्या हो जाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट। रेट क्या था हमारा, 10 × 100 इंटू रेट, तो कितना हो जाएगा ₹1,00,000 इंटू 10/100 विदाउट कंसीडरिंग दी टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर हमने क्या ले लिया, वो केवल वन ही ले लिया, इज इक्वल टू कितना अमाउंट हो जाए, रेट ये हो जाएगा इंटरेस्ट ₹10,000 का इस केस के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी समझने वाली चीज़ है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं जो मैंने आपको बताया था, मैं अब आपको इम्पोर्टेंट टिप्स के ऊपर आता हूँ। और आज की मेरी टिप्स ये है कि स्टूडेंट हम लोग जब अकाउंट्स करते हैं तो अकाउंट्स के अंदर आप समझिए हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, एक है थ्योरी पार्ट, दूसरा है प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट हमारा कम होता है, प्रैक्टिकल पार्ट हमारा ज़्यादा होता है और कई बार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। लेकिन इस चीज़ को समझ लेना, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है 100% मार्क्स लेके आने का, ठीक है। तो हमें थ्योरी में भी कहीं कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि थ्योरी जो है वो हमारे को कंसेप्ट समझने में, इवन प्रैक्टिकल करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। तो उस थ्योरी को करने का तरीका क्या है, मैं वो आपको आज समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। जब भी हम किताब में थ्योरी पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो आप उनको अंडरलाइन कर लें, उनको बार बार पढ़ें, समझें उसको। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, उन कंसेप्ट को पहले बहुत अच्छे ढंग से क्लियर वे में समझ लें। उसको समझने के बाद आप इस चीज़ को लीजिएगा कि हमारे पास, आप देखेंगे हमारे पास हर चैप्टर के एंड के अंदर, हर चैप्टर के एंड में इन्होंने क्या दे रखा है, हमारे पास MCQ दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, हमारे पास मैच दे रखे हैं, सिंगल वर्ड्स के, सिंगल वर्ड के आंसर के हिसाब से दे रखा है, या एक सिंगल सेंटेंस के अंदर हमें क्वेश्चन का आंसर जना देना है। वो बहुत ही टाइम कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो हमारे कंसेप्ट की क्लियरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने क्या करना है, हमने चैप्टर के एंड के जितने भी इन क्वेश्चंस को है, एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद, कंसेप्ट को अंडरलाइन करने के बाद, हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमने देखना है कि हमने गलतियां कहाँ की हैं, हमने अपनी गलतियों से सीखना है। जहां हमने गलती की है स्टूडेंट, वहां पर उस क्वेश्चन के आगे एक स्पेशल मार्क आप डाल लें। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है, हमें इस चीज़ को लेके चलना है कि वो हमें कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। हम उस कंसेप्ट के ऊपर दोबारा जाएंगे, उसे दोबारा समझेंगे, ठीक है, और उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जो हमने चैप्टर में किया हुआ है उसको हमने केवल एक ही बार, साल में एक बार नहीं करना, इसको हमने रिपीटिव वे में करना है। रिपीटिव वे में क्या करना है, पहले हमने एक चैप्टर, जैसे चैप्टर वन ले लिया हमारा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैंने कंसेप्ट पढ़ लिए, सोमवार के दिन कंसेप्ट किए, नेक्स्ट मंडे के दिन मैं जो क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा करूँगा। जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, MCQ कर रहा हूँ, उनको मैं दोबारा करूँगा, दोबारा करके मैं देखूँगा क्या मेरे 100% क्लैरिटी हो गई। और अगर क्लैरिटी नहीं होती है तो मैं नेक्स्ट वीक के अंदर, उससे नेक्स्ट वीक में उनको दोबारा करूँगा, नहीं तो अगर मेरे को क्लैरिटी हो गई तो मैं एक और वीक का 15 दिन के बाद मैं उस चैप्टर को दोबारा लूँगा, उसके बाद महीने भर के बाद। मतलब मेरे को इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में भी करना है, और ये देखना है कि मेरे को हर चीज़ के अंदर
कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल हो गई है, क्योंकि ये कंसेप्ट मेरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर और मेरे थ्योरी के अंदर मार्क्स लेके आने में बहुत हेल्प करेंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि जब हम लोग फाइनल एग्ज़ाम के अंदर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो थ्योरी पार्ट के अंदर हम जब इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें एमसीक्यू में जो चार चीज़ें दी गई हैं वहाँ पर हम लोग इमिडिएटली उसको स्ट्राइक कर लेते हैं, और जो टाइम को क्वेश्चन को पूरा करने के अंदर टाइम लगना है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। आप देखेंगे हमारा बहुत टाइम बच जाता है इन सब चीज़ को करने के अंदर। ये सारी की सारी क्लैरिटी हमें हो गई है, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये हमें बहुत फ़ायदा करेगा लॉन्ग रन के अंदर। और स्टूडेंट मैं आपसे जरा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि मैं आपके काम की चीज़ें वीडियोज़ ना लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।